press the bell icon for all the updates. 1970s और 80s में बॉलीवुड की सबसे मशहूर सेक्स सिंबल जिसने किया था फैंस के दिलों पर राज, वो है जीनत अमान। लेकिन उतनी ही मुश्किलात से गुजरी थी उनकी पर्सनल लाइफ। आइए पास्ट का पिटारा के लेटेस्ट एपिसोड में ले चलते हैं आपको कई साल पीछे और सुनाते हैं आपको जीनत अमान की उतार चढ़ाव से भरी हुई कहानी उन्हीं की जबानी। जीनत अमान की कंट्रोवर्शियल लव लाइफ की शुरुआत होती है उनकी और कैरिज्मेटिक एक्टर संजय खान के लव अफेयर से। लेट 70s में जीनत सबसे चहेती एक्ट्रेसेस में से एक थी और एक्टर फिरोज खान के भाई संजय खान थे एक अपकमिंग एक्टर। अपने भाई के जितने बड़े स्टार तो नहीं, लेकिन उतने ही पॉपुलर जरूर थे अपने गुड लुक्स के लिए। इसी दौरान मुलाकात हुई दोनों की जब जीनत ने साइन की संजय की डायरेक्टोरियल फिल्म अब्दुल्ला। क्रू के साथ दोनों निकले जैसलमेर राजस्थान के लिए और शूट के दौरान ही बढ़ती रही दोनों के बीच की नजदीकियां। ये जानते हुए भी कि संजय शादीशुदा थे और 3 बच्चों के पिता भी। वो कहते हैं ना, प्यार ने आखिर किसी की कभी सुनी ही कहाँ है। संजय खो चुके थे जीनत की बेमिसाल खूबसूरती में और जीनत ही प्यार में मगरूर एक शादीशुदा मर्द के इश्क में। लगाव और प्यार दोनों का एक दूसरे के लिए इतना बढ़ गया कि दोनों ने 30 दिसंबर 1978 के दिन अपने होटल में ही लीगल मैरिज का प्रोसेस कंप्लीट कर लिया। पर शादी की खबरें होटल के उस कमरे के 4 दीवारों के अंदर सीमित नहीं रही। न्यूज रिपोर्ट्स और टैबलॉइड्स की हेडलाइन जल्द ही बन गई जीनत और संजय के प्रेम कहानी का कांटा। संजय खान ने तो हमेशा ही अपनी दूसरी शादी को डिनाई किया, लेकिन जीनत ने किया स्वीकार कई सालों बाद और बयां की अपनी जिंदगी एक इंटरव्यू में। मैं तब बहुत ही ज्यादा अनुभवहीन और कमजोर थी, वो बस कुछ हफ्तों का पागलपन था और कुछ भी नहीं। और फिर साल 1980 की एक ऐसी रात आई जिसने सब कुछ बदल दिया दोनों के बीच। रिपोर्ट्स के अनुसार जीनत कर रही थी लोनावला में शूटिंग, तभी उन्हें संजय का फोन आया मुंबई वापस बुलाने के लिए, क्योंकि अब्दुल्ला फिल्म के गाने को रीशूट करना था। जीनत के डेट्स कहीं और तय थे, लेकिन इसके बावजूद वो मुंबई आई सिर्फ संजय के लिए अपने लगाव की वजह से। मुंबई में संजय से वो मिली एक पार्टी में जहां वो शराब के नशे में बुरी तरह से धुत थे। संजय जीनत को उसी होटल के एक दूसरे कमरे में जबरदस्ती ले आए और उस पर एक से अधिक अफेयर्स रखने का आरोप डालते गए। जीनत कुछ सफाई दे पाती उससे पहले ही संजय कुछ ऐसा कर बैठे जिसका हक किसी मर्द या किसी इंसान के पास नहीं। संजय ने जीनत पर हाथ उठा दिया और उसके बाद उसे बार बार मारते रहे। आखिरकार होटल स्टाफ मजबूरन अंदर आए जीनत की चीखें सुनकर और फाइनली संजय की दहशत रुकी। जीनत को हॉस्पिटल ले जाया गया कई सारे गंभीर फेस इंजरीज के साथ। जीनत ने कभी लीगल कंप्लेन नहीं की संजय के खिलाफ, लेकिन इसी के साथ पूरी तरह से खत्म हो गया दोनों का रिश्ता। इस दर्दनाक हादसे के बारे में बात करते हुए जीनत ने कहा, मैंने उस घटना को अपने जहन से निकाल दिया है। मेरे लिए वो कभी हुआ ही नहीं, ना ही मैं उस बारे में सोचती हूँ ना ही बात करती हूँ। मुझे लगता है आगे बढ़ने का ये सबसे सही तरीका है। मैंने हमेशा अपने दिल को दिमाग पर हावी होने दिया है, पर अगर मैं पीछे जाकर चीजों को बदल पाती तो मैं अपनी माँ की सुनती, उनकी हर बात मानती और उन्हीं के कहे पर चलती। इस हादसे के बाद जीनत टूट चुकी थी। ऐसे वक्त पर उन्हें चाहिए था एक सहारा, एक दोस्त, और तभी उनकी जिंदगी में आए मजहर खान और साथ ही साथ आया उनके पर्सनल लाइफ का दूसरा दहशत भरा पड़ाव। मजहर खान एक स्ट्रगलिंग एक्टर थे और जीनत की पॉपुलैरिटी के करीब भी नहीं थे, और इसीलिए साल 1985 में मजहर के साथ शादी करने के अपने फैसले से ना ही सिर्फ अपने फैंस बल्कि अपनी माँ को भी चौंका दिया था जीनत ने। सालों बाद अपनी शादी के बारे में जीनत ने एक इंटरव्यू में कहा, हमारी जिंदगी में हम कभी कभी कुछ चीजों के लिए तैयार हो जाते हैं, कुछ बदलाव के लिए भी, और उस वक्त आपकी जिंदगी में जो भी इंसान आए आप उन्हें अपनी जरूरतों में ढालने की कोशिश करते हैं। अपनी खास दोस्त सिमी गरेवाल के शो पर जीनत ने अपनी सालों की चुप्पी तोड़ी मजहर और अपनी शादी के बारे में की बातें। सबसे जरूरी बात ये थी कि मैं माँ बनने के लिए तैयार थी। मुझे लग रहा था बायोलॉजिकली मेरी माँ बनने की उम्र हो रही थी। सच कहूँ तो शादी करने की सबसे बड़ी वजह यही थी, और मजहर मेरी जिंदगी में उस मकाम पर आए जब मैं एक परिवार चाहती थी। जब उनसे पूछा गया कि मजहर और उनके रिश्ते में क्या गलत हुआ और कैसे, तो जीनत का जवाब था, मैं जब प्रेग्नेंट भी थी तब भी वो मेरे साथ नहीं था, ना मदद करने ना खुशियाँ बांटने। न्यूज टैब्लॉइड्स भरे हुए थे गॉसिप्स के साथ कि मजहर का किसी और औरत के साथ ताल्लुक चल रहा था, लेकिन इसके बावजूद मैंने हमारे रिश्ते को एक और मौका देने का सोचा। मैं चाहती थी मेरे बच्चे के पास एक पिता हो। मजहर कभी नहीं चाहते थे कि मैं आगे बढ़ूं, ना एक इंसान की तरह ना एक आर्टिस्ट की तरह,
वो सिर्फ चाहते थे कि मैं घर पर रहूं बच्चों के साथ। शादी के पहले साल ही मैं समझ गई थी कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हो चुकी थी, पर फिर भी मैंने तय किया वो बनने की जैसे मजर चाहते थे और हर कोशिश की उस रिश्ते को संभालने की। 12 साल कोशिश की मैंने। सफर के उस पार मेरे लिए आशा की कोई किरण नहीं थी। इन सब के बावजूद मैं कोशिश करती रही। मुश्किलात जीनत के लिए यही खत्म नहीं हुए। उनके शौहर मजहर को पैनक्रियास में काफी गंभीर प्रॉब्लम्स आने लगी थी। मजहर की बीमारी शुरू हुई साल 1993 में और कई सालों तक तकलीफ देती रही। मेरी जिंदगी खो गई थी मजहर और बच्चों के बीच। ये 5 साल मैंने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, मेरी पॉजिटिविटी, मेरी एनर्जी, मेरा वक्त और मेरा प्यार भी। 5 साल खत्म होने के बाद मुझे ये एहसास हुआ कि मेरे पास देने के लिए और कुछ नहीं था। एहसास हुआ कि मैं इस शादी के बाहर आना चाहती थी। मजहर की जिंदगी के लिए लड़ने से शुरू होकर वो लड़ाई मेरे खुद के अस्तित्व के बारे में हो चुकी थी। अगर मैं तब उस शादी से बाहर नहीं आती तो जरूर मुझे नर्वस ब्रेकडाउन हो जाता। खबरों का ये भी मानना है कि मजहर जीनत को मारते थे, और सिर्फ इतना ही नहीं, जीनत की आंखों पर एक परमानेंट स्कार भी हो गया था उनके फिजिकल अब्यूज की वजह से। जीनत अमान की जिंदगी की कहानी थी काफी दिल दहला देने वाली, पर जीनत अमान की हिम्मत को कहां कोई तोड़ पाया है। उस दौर में जब सब एक्ट्रेसेस बीवी और प्रेमिका का रोल निभा रही थी, जीनत अमान ने सारी बंदिशों को तोड़कर हमेशा ही एक अनकन्वेंशनल रोल में दिखाई दी है। वैसे ही अपनी रियल लाइफ में इतनी परेशानियों से जूझने के बाद भी जीनत अमान ने मुस्कुराते हुए जिंदगी को स्वीकार किया है। ऐसे और कई पुराने किस्से हम लेकर आएंगे पास्ट का पिटारा के आने वाले एपिसोड्स में।